शॉपिंग करने आया हूँ जहाँ मैं लास्ट टाइम गया था। मैंने एनएमएस सामान परचेज करा था, बहुत लोग कह रहे थे कहाँ पे है वो, तो सीपी के अंदर है, जनपद के अंदर। थोड़ा वहीं जा रहे हैं, कुछ और लेने, कुछ चेंज वेंज कराना है, कुछ और दिखाऊंगा तुम्हें बड़े बड़े एनएमएस का स्टफ। इतना सारा सामान है, मन कर रहा पूरा कार्ड खर्च कर दिया। देख सकते हो सास्के नारुतो का पूरा माल है। देखो मुझे लगा कौन है ब्लीच वाला, पर एग्जैक्टली वो नहीं है, पर मैं लेगा स्नोलैक्स इतना बढ़िया लग रहा है भाई। वो देखो नारुतो लुकी, इतनी बढ़िया शर्ट है वो। इधर लेग पीस और ये शायद कबाब है, और उधर फिश चिकन और पॉन आ चुका है मेरा। देखो ये है फिश, ठीक है, अगर तुम में से कोई नॉनवेज खाता है और उसने फिश ट्राई नहीं करी है, प्रो यू शुड। इतनी बढ़िया होती है ना, ये मेरा फर्स्ट ट्राई तो नहीं था, बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी, लाइक क्या है ये, इतना स्मूथ भाई, मैं चिकन को भूल गया था फॉर अ मोमेंट, और बहुत बढ़िया होती है। अगर तुमने नहीं करा प्लीज़ ट्राई करना फिश, फॉर एक बार तो करना प्लीज़। ये पॉन है, ठीक है, PAWN वाला पॉन। आई नो मेरी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों ही गलत है, क्योंकि वो प्रॉन होता है PRAWN, नॉट जो मैंने बोला वीडियो में। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़, जो हमारा प्रॉन होता है वो फिश कैटेगरी में नहीं आता, वो कोई आर्थ्रोपॉड होता है, बायो वाले नोज। सो एक्चुअली प्रॉन ना फिश नहीं बल्कि इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर आता है। मुझे भी ये चीज़ ब्लॉग के बाद पता चला, मैंने घर के थोड़ी रिसर्च करा कि मैंने सही बोला है नहीं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट माई प्रोनाउंसिएशन एट ऑल। मैं पता लगा कि ओके, तो वहाँ पे जो मैं खा रहा था वो फिश नहीं, वो इंसेक्ट है, वो खाने ना पे ये उठ गया। तूने मच्छर खा लिया, और ये तो मुझसे बड़ा दानव है भाई। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस, तुम लोग स्मार्ट हो। देखो काफ़ी सारी डिशेस, काफ़ी सारा स्वीट, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, तुम प्लेट के अंदर देख रहे हो, बट जब चीज़ तुम्हारे पास आती जाए, बी अ गुड ह्यूमन और कभी मना नहीं करते खाने को। इसको देख लो, और तूने खाने को भी मना करा है, बता तू। देखो वो खाता सो जाता है, सच्चा गुड बॉय। और तुमने वो फोटो देखी है, इसके अंदर लोग अपने मतलब फ़ोन में एनिमे का आँख खोल के आँख ऐसे लगा लेते हैं, फिर फोटो खींचते हैं, कितना बड़े लगता है। मैंने भी ट्राई किया, और देखो मैं कितना सेक्सी लग रहा हूँ। और अपना खाना हो गया, अब चलता है वापस, थोड़ा देख के थोड़ा और कुछ शॉपिंग वगैरह करके घर चलेंगे वापस। अभी मैं जनकपुरी उतरा, बस से ट्रैवल कर रहा था भाई, इतना डेंजरस है। उतरते मैंने देखा एक बड़ा सा बंदा एक बच्चे को पीटने लगा, हम लाइक क्या हो रहा है, पता लगा तो छोटा सा बच्चा कर रहा हूँ, 8 साल का बच्चा, उस बंदे का पर्स लेके भाग रहा था। तो ओके, तो बस में ट्रैवल करना भी इज़ नॉट सेफ एट ऑल, पर हम बस में बैठा हूँ अभी, मैं सेफली जा रहा हूँ बस, तो बस में ध्यान बहुत रखो तुम लोग भी। बच्चे अगर हाथ पैर मार लेते हैं और वॉलेट निकाल लेते हैं। यो कह रहे, मैं घर तो आ गया था, पर हाँ बस के ट्रैवल करना आज काफी रिस्की लगा मुझे, लगा फिर साला आईफोन ना उड़ जाए। तो आते हुए मैंने रुक के, मैं मेट्रो से आता बाद में, फिर मैंने भाई नहीं, बस इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। लाइक बस इज अ सेफ ऑप्शन, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट मेरे ऐसा से पहले एक ऐसे इंसिडेंट हो रखा है, उसने फिर से ऐसा इंसिडेंट देख लिया वही बस के अंदर, मैं नहीं आने वाला, मेट्रो इज अ सेफ ऑप्शन फॉर मी। देखो अभी ना कुछ 11 बज रहे हैं, और मैंने तो अपना डिनर भी नहीं करा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था भाई डिनर कर लो पहले, फिर जो काम करना है कर लो, पर अब ऐसा होता है कि काम पहले कर लो, डिनर से बात करना है, क्योंकि यूट्यूबर बनने वाला तो मेरे पास डेडलाइंस आ जाते हैं कभी कभी, यूट्यूबर भी नहीं, जब तुम बड़े होते हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, तब तुम्हें डेडलाइंस भी आती है चीज़ों की, कि तुम्हें जो टाइम दिया गया तुम्हें उसके अंदर तो काम करना ही करना है, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, मतलब तुम जॉब वापस लगोगे, तब तुम्हें बहुत काम आने वाला है, अगर तुम पहले डिसिप्लिन हो गए तो। सो या बी डिसिप्लिन, मेरे ब्लॉग दे देगा तुम इतना समझ जाओगे, अगर कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है, तो सारा नींद की तो माँ बहने कर दो, काम करो पहले। तो हाँ मैंने जरूर करो, नींद की माँ बहने कर दो, पर हाँ रेस्ट भी जरूरी है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि जान की रात भर जागो, अगर नींद है, अगर काम है तो जागो। तुम भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मैं भी रखूंगा भाई। मैं जा रहा एडिटिंग करने, मिलते हैं कल, और कल मैं तुम लोगों को कार्डियो से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जिन लोगों को फैट कट करना है आगे वाला पार्ट जरूर देख लेना, कार्डियो से रिलेटेड ही होगा। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। चलो अब बात करते हैं कार्डियो के बारे में, जिसके लेके मेरे थॉट्स और लोगों से थोड़े अलग हैं। सबसे पहले कार्डियो होता क्या, और मैंने मेरा भाई समझाया तुम्हें, तो बता कार्डियो होता क्या है।
सुनना ध्यान से। कार्डियो बेसिकली प्रोसेस होता है, हाँ, जिससे हम अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। कैलोरीज तुम्हारा वही मेंट सब कुछ होता है, बाद में समझाऊंगा, पहले सुन लो। हार्ट रेट अच्छा रखता है, हार्ट रेट अच्छा रखता है, करोगे तो हार्ट अटैक वाले चांसेस कम होते हैं। आजकल तो बहुत सुना होगा तुमने, तो करो सही होता है। और जैसे कार्डियो में रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गई, जो भी हम बैठे हुए भी, मतलब हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है। सिंपल बात है, देखो अगर तुम बैठ तुम खाना भी खा रहे हो तो खाना डाइजेस्ट होने से तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती है, वो सारा कार्डियो के अंदर ही आता है ना। हाँ, बस खाली पेट मत करना। क्यों? फिर मतलब कभी लोग क्या करते हैं, खाली पेट ज्यादा दौड़ लेते हैं, फिर उनको मतलब पेट में, अच्छा वो एक्टर भी तो, एक्टर भी तो भी, फिर हार्ट अटैक्स आने। जैसे तुमने सुना हो कुछ रिसेंटली भी एक्टर की भी कुछ डेथ हुई है, जो खाली पेट कार्डियो में भाग जाते हैं, सो उससे दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो मैंने बताया बनाने खा के चले जाओ, वही काफी होता है, बट कुछ तो खाओ एटलीस्ट। यू नीड टू ईट प्रोटीन। प्रोटीन। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, विगी तेरे को चाहिए नोट छापने की मशीन? इसको चाहिए। एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, वो भोला बाबा दे दे मुझे नोट छापने की मशीन, सबके बता दू बीन। भाई ये गाने, विगी तेरे को भी चाहिए नोट छापने की मशीन? चिकन खाएगा तो है ना, खुश हो रहा है, स्माइल कर रहा है। अच्छा बात करते हैं थोड़ा कार्डियो और कैलोरीज के बारे में। देखो सबसे इजी लैंग्वेज में बोलूं, अगर तुम्हें वेट कट करना है तो जितने तुम कैलोरीज खा रहे हो दिन की, जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, जो तुम कैलोरीज खा के तुम्हारा वेट मेंटेन रहता है, अगर तुम्हारा वेट 80 है मान लो, ठीक है, उसके साथ तुम जितनी कैलोरीज खा रहे हो वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी। अगर तुम्हें वेट कट करना है उस कैलोरी से कम खाओ, सिंपल, तुम्हारा वेट कट हो जाएगा। वेट बढ़ाना है उससे ज्यादा खाओ, इतना ही होता है वेट बढ़ाना घटाना। जो लोग ध्यान है ना कि भाई वेट घटाने के लिए मैंने ये डाइट लिया है वो डाइट लिया है, तुम्हें एक्जैक्टली वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं अपनी कैलरी के हिसाब से। सो अगर मैं भी दिखा रहा हूँ कि मैं दिन के अंदर चिकन इतना खा रहा हूँ, एग इतना खा रहा हूँ, दही पी रहा हूँ, लस्सी पी रहा हूँ, ये सब मैं दिखा रहा हूँ, तो तुम्हें एक्जैक्टली वो फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो मेरे बॉडी वेट के हिसाब से है चीज़ें, वो मेरी मेंटेनेंस कैलरी ज्यादा मैं चल रहा हूँ। मेंटेनेंस कैलरी निकालने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें डालना है कि तुम कितना बॉडी वेट है, तुम कितना वर्कआउट करते हो, सब वो बता देगा तुम्हारा मेंटेनेंस कैलरी। अगर तुम्हें थोड़ा आलसी फील हो रहा है ना कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुम जितना खा रहे हो दिन का, ठीक है, उसको उतने रखो, उसके अंदर थोड़ा प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ा दो, वो इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर तुम नॉनवेज खा सकते हो, एग्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। प्रोटीन में मत लो, वो प्रोटीन शेक ज्यादा, प्रोटीन पाउडर मत लो, एग्स ले लो, उससे ज्यादा चीप और ज्यादा प्रोटीन देता है वो। मम्मी एक अंडा कितने का आता है? एक अंडा छह का एक अंडा आता है, पता है छह के एक अंडे में कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 6 ग्राम प्रोटीन, इतना चीप है एग। और कुछ लोग होते हैं जो नॉनवेज नहीं खा पाते, बेस्ट ऑप्शन फॉर यू सोयाबीन पनीर और कुछ स्प्राउट्स वगैरह खाओ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। पनीर के अंदर थोड़ा फैट भी होता है, इसलिए मैं उतना नहीं खाता। सोयाबीन में बहुत, मेरी रात की सब्जी ना मम्मी, हाँ। मेरी रात की सब्जी क्या होती है रोज की? सोयाबीन। मैं लिटरली हर रात सोयाबीन कंज्यूम करता हूँ, हर रात, ठीक है, मुझे बनानी पड़ती है। रोमत अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज बनाते कौन रोता है भाई। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर तुम नॉनवेज नहीं खा सकते तो दिन के अंदर तीनों टाइम सोयाबीन भी मत खाना, ठीक है, उसके अंदर एस्ट्रोजन होता है, अगर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा तो बॉडी में दिक्कत हो सकती है थोड़ी, तो इसलिए ज्यादा सोयाबीन भी कंज्यूम नहीं करनी है। सिंपल चीज, हर चीज खाओ पर लिमिट के अंदर। अगर तुम्हें वेट कट करना है तो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलरी है, जितना दिन में खा रहे हो उसे थोड़ा कम कर दो। मान लो तुम दिन के अंदर टोटल 4 रोटी खा रहे हो, अराउंड 2 वीक के लिए उसे 3.5 कर दो, उसके बाद 3 कर दो। और अगर तुम्हें खाने में कम करने में थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है तो खाने को तुम उतना ही रखो, ब्रैकेट को तुम उतना ही रखो, कम मत करो, पर कार्डियो करना शुरू कर दो, क्योंकि कार्डियो करो तो भी कैलोरीज बर्न होएंगी और कम खाओगे तो कैलोरीज कम मिलेंगी, वो इनडायरेक्टली सेम बात आती है वो। अगर तुम मुझसे पूछो कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा थोड़ी डाइट के अंदर चेंजेस ले आओ, क्योंकि कार्डियो इज ओवररेटेड। अगर तुम 30 मिनट रनिंग करके आने वाले हो ना, तो उससे तुम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं तुम 200 कैलोरीज बर्न कर लोगे, जो कि इतना नहीं होता पर मान लेते हैं, ठीक है। और अगर तुमने 2 बनाना खा लिया ना, तो उसके अंदर होता है 220 कैलोरीज, खत्म, एक बारी में उड़ गया तुम्हारा 30 मिनट और तुम्हारा 30 सेकंड का 2 बनाना खत्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डाइट में कुछ चेंज कर लो, थोड़ी बहुत कार्डियो करो, इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, पर मेन जो चेंजेस करना है तो मैं डाइट करना चेंज करो। अगर तुम्हें वेट कट करना है और तुम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, मैं इनका नाम नहीं लेने वाला, दिक्कत हो सकती है, सो उनको प्लीज मत करो। उनमें लिखा होता है कि प्रोटीन है, विटामिन सी है, ये है, वो है, उसमें एडेड शुगर, शुगर इतनी ज्यादा होती है, तुम्हारी बॉडी को ना लिटरली 1% भी एडेड शुगर की नीड नहीं होती। और जिन लोगों को गेन करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बर्गर पिज्जा इनमें बहुत कैलोरीज होती है, मैं सोचता हूँ कि ये खा लो कैलोरीज बढ़ गई तो और अच्छा है, नहीं, उसे कहते हैं डर्टी बल्किंग, जो वन ऑफ द वर्स्ट चीज है तुम्हें करना। कभी भी डर्टी बल्किंग मत करना, मैंने करी है क्योंकि मुझे पता नहीं था, आई डेंट हैव नॉलेज। तुम लोग वेट पुट ऑन कैसे कर सकते हो, अच्छी बल्किंग कैसे कर सकते हो और सही अमाउंट के अंदर कैलोरीज कट कैसे करनी है, मैं तुम्हें वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, मतलब आगे आने वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो चिंता मत करो, स्टे ट्यून, तुम्हें आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, बाय बाय। देखो यार तुम्हारा चैट विगी ये बहुत अच्छा बच्चा है, पर इसकी एक बहुत बुरी आदत है, ये ना हमेशा हमेशा फोन के ऊपर लेटता है,
तुझे फोन से कोई दिक्कत है? जी व्लॉग एंड करते हैं, बोल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट। बोलना बोलना बे साले, पूरे दिन सोता रहता है। चलो बाय बाय।